जो संसार चक्र में पड़ा हुआ है, जन्म मरण में पड़ा हुआ है, यदि भगवान की इच्छा कभी कर दे, भगवान के चरण रज की इच्छा कर दे, तो उसके सामने उसके इच्छित वैभव उपस्थित हो जाते हैं। जो चाहता है मिल जाएगा भगवान के चरण रज में, शक्ति या चरण में। तो संसार चक्र भ्रमतः शरीर न, शरीरी का अर्थ शरीर वाला जीव इस संसार चक्र में भ्रमण कर रहा है। कभी ऊर्ध्व गति प्राप्त करता है, कभी मध्य गति, अधम गति, और सब जगह उसकी कुछ न कुछ इच्छाएं होती है। बिना इच्छा के जीव नहीं रहता है। छोटे छोटे जीव भी, छोटे छोटे शरीर धारण करने वाले अधम जोनी वाले जीव भी कुछ इच्छा से घूमते रहते हैं। चर कहा जाता है, चलने वाले, घूमने वाले। तो इच्छा ही उनको प्रेरित करती है घूमने के लिए। बिना इच्छा तो घूम नहीं सकते। तो कैसी कैसी इच्छाएं होती है उसकी गिनती नहीं की जा सकती। लेकिन कदाचित किसी सौभाग्य से, आपकी कृपा से या आपके भक्तों की कृपा से, किसी के भीतर यदि आपको पाने की इच्छा हो जाती है, तो आपको पाने की जिन ही इच्छा होती है उसको, तो उसके आगे विभव समाज, उसके सामने विभव उपस्थित हो जाता है। इच्छित संपत्ति उसे मिल जाती है, अथवा विभव, भव के विपरीत, जन्म मरण के विपरीत, मुक्ति उसके सामने उपस्थित हो जाती है। जो आपके चरण रज की इच्छा करता है, जन्म मरण में पड़ा हुआ जीव, अनेक कामनाओं से भरा हुआ जीव, लेकिन किसी सौभाग्य से भी आपकी इच्छा कर दे बस, तो मुक्ति मिल जाती है। इच्छा किया भगवान की, भगवान के चरण रज की इच्छा किया पाने की, लेकिन और जो कुछ भी इच्छा उसकी रही होगी, वो सब अपने आप पूरी हो जाती है भगवान की कृपा से। और विभव का मुख्य अर्थ है मुक्ति, मोक्ष। भगवान को पाने की, भगवान की भक्ति की इच्छा ही बहुत कठिन है इस जगत में। और ये भागवत की कथा सुनी जाती है, चाहे भक्तों का संग किया जाता है, वास्तव में कि हृदय में एक इच्छा उत्पन्न हो जाए, अभिलाषा उत्पन्न हो जाए भगवान को पाने की। इस प्रकार की शुद्ध अभिलाषा का उदय होना कठिन है। कभी कभी तो भक्तों को भी पता नहीं चलता है कैसी इच्छा करनी चाहिए। सत्य कहता हूं, पता ही नहीं रहता कैसी इच्छा होनी चाहिए। शुद्ध भागवत सुनने की इच्छा हो, भगवान को पाने की इच्छा हो, तो विभव समक्ष क्या होगा? भागवत के दूसरे श्लोक में लिखा गया है कि भगवान हृदय में बंदी हो जाता है। ऐसा कहते हैं भगवान वेदव्यास जी, धर्म प्रोजित कह तवत्र परमो निर्मत सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयुन मूलनम श्रीमद भागवते महामुनि कृते किंवा परे ईश्वर शब्द हृदय अवरुद्ध तेत्र कृतभि शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। शब्द और तत्क्षणात् दोनों शीघ्रतावाचक शब्द लगा रहे। जो व्यक्ति श्रीमद भागवत को सुनने की इच्छा करता है, जिन ही इच्छा करता है, सुश्रुष भी, सुनना चालू कर देगा तो क्या होगा, सुनने की इच्छा करता है, शब्द उसी समय तत्क्षणात् ईश्वर श्री कृष्ण तस्य हृदय अवरुद्ध, उसके हृदय में बंद हो जाता। यह अद्भुत प्रभाव का वर्णन हो रहा है श्रीमद् भागवत का। हरे कृष्णा तो श्रीमद् भागवत सुनने की इच्छा एक अलग चीज है, और एक डीम डाम नाटक नाच फाच अलग चीज है। इसमें अंतर है। वास्तविक बात, एक वास्तव में यदि श्रीमद् भागवत के शब्दों के आस्वादन की स्प्रिया हृदय में हो जाए, तो भगवान अवश्य हृदय में आ जाते हैं, क्योंकि भागवत के शब्दों में भगवान भरे पड़े हैं। यह भगवान का प्रतिनिधि है।
बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको भागवत के शब्दों पर विचार की स्पृहा होती है, जरा विचार कर। इसी को भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भागवतार्थ स्वाद, भागवत के अर्थ का स्वाद। यही है इच्छत, वहां सुशुषुधि, सुनने की इच्छा करते ही विभव सामने आ जाएगा। और भक्तों के लिए विभव क्या है? भक्तों के लिए विभव है कृष्ण प्रेम, उमड़ जाएगा भगवान का प्रेम यदि इच्छा करे भक्त, खूब अनन्य अभिलाषा करे। तो ये तो भक्तों की बात मैं कह रहा हूं, लेकिन यहां गोपत नाग पत्नियां कह रही हैं कि संसार चक्र भ्रमत शरीर, संसार चक्र में पड़ा हुआ शरीर ही है, अनेक कामनाएं हैं, अनेक बातें हैं, लेकिन कदाचित आपको पाने की इच्छा कर लिया किसी कारण से, तो उसके सामने लौकिक संपत्ति भी और वैकुंठ की संपत्ति, मुक्ति आदि सब समक्ष उसकी आंखों के सामने उपस्थित हो जाएगा। और यदि कृष्ण को छोड़ करके आदमी धन कमाना चाहेगा और सब करना चाहेगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, और कृष्ण को पाने की इच्छा किया तो सब मिल जाएगा। कृष्ण तो मिलेंगे ही और भी सब कुछ मिल जाएगा, इसलिए अपेक्षिता संपत्ति भवती, सब कुछ मिल जाता है। तो इच्छा करनी चाहिए। वास्तव में ये सब आयोजन इसीलिए किए जाते हैं कि जीवों के हृदय में भगवत अभिलाषा उदित हो, और अभिलाषा उदित हो जाने के बाद तो अपने आप प्रेम उत्पन्न होता है। यदि ऐसा नहीं होता तो इसका क्या अर्थ है कि भागवत सुनने की इच्छा करने वालों के हृदय में शब्द तत्क्षणात् ईश्वर अवरुद्ध। इस ग्रंथ की बहुत बड़ी महिमा है, ऐसा कोई नहीं। इसलिए इस श्लोक में भगवान वेदव्यास देव 3 बार अत्र 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 शब्द लगा रहे। धर्म पुरोहित कैतवत्र, यही ग्रंथ है जिसमें निष्कपट धर्म का वर्णन किया गया है। अत्र, यही वह ग्रंथ है जिसमें तीनों तापों को मूल से उखाड़ देने वाली वस्तु का, सुखद वस्तु का वर्णन किया गया है। और यही वह ग्रंथ है जिसे सुनने की अभिलाषा करने वाले के हृदय में श्री कृष्ण बंदी हो जाते हैं तत्काल। 3 बात कह रहे हैं। श्रीमद् भागवत को सुनने की परंपरा है, आज भी स्थापित है, लेकिन भले कुछ रूप बदल गया है पर चल रहा है ये भाव। तो इच्छा होनी चाहिए, इच्छा का बहुत महत्व है। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने लिखा है भगवान और भोग पेपर, तो वहां लिखते हैं भोगों की प्राप्ति कर्म से होती है और भगवान की प्राप्ति इच्छा से होती है। बहुत साधन की अपेक्षा भगवान नहीं करते हैं, केवल अभिलाषा उठ जाए कृष्ण से मिलने की तो कृष्ण मिल जाते हैं, पर सारे साधन किए जाते हैं इस अभिलाषा को और रिफाइन करने के लिए, और अभिलाषा हो जाए और कोई कामना न रहे, अभिलाषा हो जाए। तो जैसे कोई बच्चा अपने माँ के लिए रोने लगे तो माँ सारा काम छोड़ करके जाती है, बच्चे को उठाती है, सहलाती है, चुमती है, खिलाती है। तो इसी तरह भगवान जब यह देखते हैं कि कोई जीव हमको चाह रहा है तो भगवान तत्काल मिल जाते हैं। पर ऐसा जाल है इस प्राकृत जगत का, इच्छाएं वस्तुओं में फंसी रहती हैं, इधर ये चाहिए, इधर वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। जदिच्छत से विभव समक्ष, तो बहुत बड़े आश्वासन की बात कह रही हैं नागपत्नियां। बीच में बार बार यज्ञ पत्नियां, गोप पत्नियां शब्द आ जाता है, क्योंकि कथा में अधिक समय तक गोपियां और यज्ञ पत्नियां आता है, नाग पत्नियां। संसार चक्र भ्रमतः शरीर न, संसार चक्र में चल रहा है जीव, जन्म मरण में गर्भ में आ रहा है, अनेक इच्छाएं सब हैं, लेकिन जद इच्छता
यदि आपके चरण रज को पाने की इच्छा हो जाए तो सारी संपत्ति उसके सामने उपस्थित, सारा सौभाग्य, और वह सौभाग्य इस जगत की संपत्ति से लेकर भगवत पार्षद बनने तक से है। इसका अर्थ ये इच्छा होनी चाहिए। अब इतना कहकर फिर भगवान को भी नमस्कार कर रही है 10 श्लोकों में। नमस्कार में पूर्ण दर्शन दिया गया है, श्री कृष्ण को कोई सामान्य मनुष्य न समझते। एक गीत गाते हैं भोजपुरी में, हिंदी में है, शिव जी के हाथ में डमरू देख कर मदारी मत मान जानना, क्या क्या ऐसे कुछ है ना। वो मदारी नहीं है, भले डमरू बजाते हैं, तो श्री कृष्ण ऐसी लीलाएं कर रहे हैं कि बड़े बड़े विद्वानों के हृदय में भी एक आशंका उत्पन्न हो जाती है, क्या ये भगवान है। जैसे ब्रह्मा जी के हृदय में शंका उत्पन्न हो गई, क्या परम पुरुष भगवान बच्चों का जूठा खा रहे हैं और हास विलास करते हुए खा रहे थे, छोटा सा बच्चा थे और गोवत्स चरा रहे थे, खा रहे थे एक दूसरे का जूठा ये वो, तो ब्रह्मा जी देख रहे थे ऊपर से हंस पर चढ़कर, सब देवता तो आते ही रहते थे देखने के लिए। तो ब्रह्मा जी चकित हो गए कि वही प्रभु जिनकी बड़े बड़े यज्ञों से आराधना होती है और कई प्रकार की शुद्धि, मंत्र शुद्धि, वस्तु शुद्धि, देश शुद्धि, काल शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, सब तरह से शुद्ध करके हवन किया जाता है, फिर भी नहीं लेते हैं, और वही इन गोप बालकों के जूठा को खा रहे हैं छीन करके या दे रहे हैं। तो जरा इनके बछड़े को चुरा कर देखें आगे क्या करते हैं। द्रष्टु मंजु महित्व, और क्या करते हैं। तो ब्रह्मा जी भगवान के बछड़ों को चुरा लिए, सब बच्चे तो खाने में फंसे थे, तो बछड़ों को ब्रह्मा जी चुरा लिए। अकस्मात ध्यान गया बच्चों का, अरे बछड़े कहाँ चले गए, घोर जंगल में चले गए, तो जंगल में तो बच्चे जाते ही नहीं थे, ये स्वयं नहीं जाते थे, लेकिन अब वो तो सब जितने बच्चे थे वो भोजन रुक गया, उनका उदास हो गया चेहरा कि हाँ हमारा गोधन क्या हो गया, हमारे बछड़े कहाँ चले गए, वो रोने लगे, क्योंकि बेचारे उन बच्चों के लिए वो बछड़े ही धन थे, जाएंगे इस क्रिया से भक्तों के आनंद में बाधा पड़ गई, कहाँ भगवान के को देख रहे थे, हंस रहे थे, खा रहे थे, तब तक ध्यान गया। तो भगवान वहां पर कहते हैं तुम लोग खाना मत रोको, मैं खोजने जा रहा हूं, चिंता मत करो, खाओ, लेकिन जब तक भगवान बाहर रहे तब तक बच्चे एक कवर भी नहीं खाए, ये वर्णन है बाद में, जब लौटेंगे भगवान तभी ये लोग खाए, जब तक कृष्ण गए खाए नहीं, भगवान भी जैसे खा रहे थे वैसे ही चल दिए, हाथ में दही भात का कवर लिए थे, सिंह खोसे थे, यहाँ बांसुरी खोसे थे, छड़ी को कांख में दबा करके चल खोजने के लिए, और जब उधर गए खोजने के लिए जंगल में, तो ब्रह्मा जी इन बच्चों को भी चुरा कर ले गए। फिर भगवान खोज एक अज्ञ बालक की तरह खोज रहे हैं, इधर उधर झांक रहे हैं, नार में, खोर में, गुफा में, इधर उधर कहाँ चले गए, जमुना में देख रहे हैं कहीं धस तो नहीं गए, डूब नहीं गए, इस तरह से देख रहे थे। कुछ देर बाद वो निराश हो गए कि नहीं मिलेंगे, तो लौटे बच्चों के पास, तो ये भी गए। भगवान ने कहा, हरिश्वर जी कहते हैं भगवान ने सोचा कि जब उसको विधि बना दिया तो निषेध नहीं करूंगा, विधि माने ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी का एक नाम है विधि, निषेध का अर्थ होता है मना करना है, रोकना है, विधि का अर्थ है हाँ। तो भगवान ने सोचा कि मेरा पुत्र है और उसको जब विधि बना दिया तो उसको मना नहीं करूंगा, उसकी जो इच्छा है करे, लेकिन वैसा बछड़ा और बच्चा सब मैं स्वयं ही बना लेता हूं।
वही बन गए, बनाए नहीं, भगवान स्वयं ही बछड़ा बन गए। और बछड़ों के गर्दन में जैसे घुंघची की माला, चाहे जो कुछ भी, चाहे रस्सी, उनका रंग, उनका स्वभाव, उनका खुर पूंछ जैसा था, और बच्चे जैसे सांवले गोरे छोटे थे, जैसी उनकी कमीज, उनका जूता, जो कुछ भी था, जूता तो हाँ हो सकता है बचपन में, तो कुछ भी जो कुछ था उनके पास, सब भगवान बन गए। सर्वम खलविदम ब्रह्म, वहीं पर सार्थक हुए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वहां पर महाराज परीक्षित से कि सर्वम खलविदम ब्रह्म वेद कहता है, वास्तव में वेद वाणी आज सत्य हो गई। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कृष्ण थे, और जैसा स्वभाव था वैसा स्वभाव, जैसी बोली थी, कंठ स्वर जितना बड़ा थे छोटा सब, और भगवान अपने से अपने को हाँक करके चले ब्रज में। तो उस दिन देखा गया कि जो गौएं श्री कृष्ण से प्रेम करती थी खूब, और जो माताएं केवल कृष्ण से प्रेम करती थी, वे अपने अपने बच्चों से भी उतना ही प्रेम करने लगी जितना कृष्ण से करती थी। कारण यह था कि कृष्ण ही तो आज बच्चा बनकर आए हैं अपने आप। तो इस बात को बलराम जी भी नहीं जान पाए, उस दिन वो नहीं गए थे, उनका जन्म नक्षत्र था, उनको रोक लिया गया था वहां ब्रज में। शायद वे आए होते तो ब्रह्मा जी उनको थोड़े चुरा पाते तो इसलिए भगवान ने लीला करना चाहते थे तो वो रह गए थे ब्रज में। जब साल भर बीता तो बलराम जी शुरू से ही चिंता करने, क्या बात है, सबका कृष्ण के प्रति जितना प्रेम है उतना अपने बच्चों से ही क्यों बढ़ने लगा, बलराम जी ये सब विचारने लगे। लेकिन जब साल बीतने में केवल 5-6 दिन रह गया तब बलराम जी समझ पाए। उन्होंने पूछा कि क्या तमाशा कर रहे हो, क्यों लोगों का प्रेम बढ़ रहा है। तो भगवान ने उनको बताया कि यह बात है, मैं ही बना हुआ सौ। तो 1 वर्ष तक भगवान इस तरह से रहे, स्वयं उठते थे, तो उस समय माताओं का प्रेम कैसा बढ़ता होगा। सबकी अभिलाषा थी कृष्ण हमारे पुत्र बने, तो डायरेक्ट पुत्र बनकर चले गए। तो भगवान माताओं का दूध पीते थे, गौओं का दूध पीते थे, और बछड़ा बन करके वृंदावन की घास चरे हैं। ऐसी भूमि है जहाँ के घास को भगवान साल भर तक खाए। इसका अपने से अपने को हाँकते रहे। तो ब्रह्मा जी मंजू महिमा देखना चाहते थे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा जी के मन में भी कुछ आशंका पैदा हो गई भगवान की इस बाल लीला को देख करके। तो ऐसी ऐसी लीलाएं हैं, जैसे श्री गोपीजनों के साथ भगवान की लीला है, या कालिए के प्रति भी भगवान की ऐसी लीला है, तो दूसरा अज्ञ व्यक्ति सोचेगा कि अरे ये भी क्रोध में है, भगवान क्या है, सर्प की दुर्दशा कर दिए, चाहे कि वो कि अनेक लीलाएं हैं, शंका हो सकती है। इसलिए बीच बीच में कुछ स्तुतियां दी गई हैं कृष्ण क्या है। तो नाग पत्नियां यहाँ पर भगवान की स्तुति करती हैं 10 श्लोकों में। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इधर विस्तार करूंगा तो उधर अति संक्षेप करना पड़ेगा। तो इस तरह से कहती है, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने। हे भगवान, तुभ्यं नमः, हम आपको नमस्कार करती हैं, आपको प्रणाम करती हैं। भगवते अचिंत ऐश्वर्याय, अचिंत और अद्भुत जिनका ऐश्वर्य, भगवान, भगवान शब्द का अर्थ ही होता है 6 समग्र ऐश्वर्यों से पूर्ण। तो आप भगवान हैं, हम आपको नमस्कार करती हैं। अचिंत ऐश्वर्यादि गुणाय, तो वही अचिंत ऐश्वर्य का वर्णन करती हैं। पुरुषाय, पुरुषों पुरियों में अंतर्जामी रूप से शयन करने वाले, सबके हृदय में विद्यमान श्री कृष्ण केवल ब्रज में ही नहीं है, केवल गोप ही नहीं है, वे सबके हृदय में अंतर्जामी परमात्मा के रूप से निवास करते हैं।
यह भगवान का ईश्वर है। सर्वांतर जामिड़े ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। गीता में भगवान सर्व शब्द बहुत बार लगाते हैं, जहां बहुत जरूरी है तो उस सर्व शब्द पर ध्यान देना चाहिए कि भगवान सबके हृदय में है। सर्व मतलब सर्व का अर्थ है जावत जीव समुदाय, 84 लाख जोनियों में जितने जीव हैं सबके हृदय में रहते हैं। ब्रह्मांड के अंतर्जामी है, प्रकृति के अंतर्जामी है और जीवों के अंतर्जामी है सर्व जोनी, इसलिए उनका नाम ही है पुरुष। जो पूरी में शयन करे उसको पुरुष कहता है। पूरी कई है, संपूर्ण प्रकृति भी पूरी है और ब्रह्मांड भी पूरी है और जीव का हृदय भी पूरी है। तो इन समस्त पूरियों में जो शयन करते हैं वो है पुरुष। पुरुष श्वास शयन करने वाला पूर्व मन पूरी। कुछ इस तरह से शब्दों को सटाया गया है, नियम के अनुसार सब किया गया है। पुरुष तो हे सर्वांतर जामी, आपको हम प्रणाम करती हैं। आप जब सबके हृदय में हैं तो सबके कर्मों को देखते रहते हैं, इसलिए आप क्षमा कीजिए। और शुरू में पुरुष शब्द कहने का आशय यह है कि हमारे पति के हृदय में भी आप ही हैं, तो आप जो भाव या कर्म करने की छुट्टी दी है इसी से तो किए, तो इसीलिए सर्व कारण कारण है अपन। इस तरह से आप क्षमा कीजिए, आप अंतर्जामी हैं, आपसे ही मत स्मृति ज्ञान मपोहनम च सब होता है। तो हमारे पति ने जो कुछ भी गलती किया है तो आपके द्वारा ही कराया गया है, यह एक भाव है आचार्यों ने लिखा है। क्योंकि मुख्य उद्देश्य इनका है क्षमा कराना। तो जो भगवान हृदय में है उसी समय क्यों नहीं मना कर दिए, क्यों तमोगुण दिए, क्यों क्रोध उत्पन्न होने दिए। जब हो गया ऐसा किया तो क्षमा आप नहीं करेंगे तो क्या कौन करेगा, आप योग्य हैं क्षमा करने के। महात्मा ने आप पुरुष हैं, सबके हृदय में रहते हैं फिर भी महात्मा है। महाआत्मा का अर्थ है शरीर या स्वरूप, अब फिर भी अपरिच्छिन्न है। ऐसा नहीं कि सबके हृदय में बंद हो गए तो छोटे हो गए, या चीटी में भगवान घूम रहे हैं तो बस छोटा हो गए, फिर भी महात्मा अपरिच्छिन्न है, अपरिच्छिन्न है। अथवा अनंत शरीरों में रह रहे तो इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान का ज्ञान थोड़ा बंट गया, कट छट गए, एक से कई भिन्न भिन्न हो गए, नहीं, फिर अपरिच्छिन्न है, एक ही भगवान सबके हृदय में विराजमान। अच्छा, क्यों? क्योंकि भूतावासाय, आप समस्त जीवों के आश्रय है। ये ठीक इससे विपरीत बात बता रहे हैं, पुरुष से ठीक विपरीत। पुरुष का अर्थ है जीवों के हृदय में शयन करने वाले, रहने वाले, वास करने वाले। शयन का अर्थ है वास करना, सभी जीवों के हृदय में आप वास करते हैं, लेकिन समस्त जीवों के वास आप, यह अद्भुत वर्णन है। भगवान ने गीता में कई बार इस बात को कहा है, मतस्थानी भूतानी, सभी जीव मुझ में है, फिर कहते हैं मुझ में कोई नहीं है, मैं सभी में हूं। तो सबके भीतर कृष्ण है और सभी कृष्ण के भीतर है। भूतावास जीवानाम आश्रय, क्यों? क्योंकि भूत आया, स्वयं भूत है। यहां भूत का अर्थ है पहले से ही विद्यमान, यह जगत या जीव वस्तु कुछ भी नहीं थी, वास्तव में कृष्ण भूत है। भूत माने जो ऑलरेडी है, था भूत, भूताय, स्वयं सिद्ध अनादि पुरुष पहले से ही। यह जगत तो बहुत बाद में बनता रहता है, अर्वाचीन है, और उसमें भी मनुष्य आदि तो कितना तेज रफ्तार से जन्मते हैं मरते हैं, इसकी कोई तुलना ही नहीं। देवता लोग जन्मते हैं मरते हैं, लेकिन वो लोग घड़ी के उस घंटा वाली सुई के समान, और मनुष्य तो सेकेंड वाली सुई जैसा जल्दी जल्दी जन्म लेते हैं। एक घंटा में कितना बार घूमती होगी सेकेंड की सुई, एक मिनट में एक बार घूम जाती,
तो एक घंटा में वो 60 राउंड मारेगी, ये सेकेंड वाली तो वो जो मिनट वाली 60 बार राउंड मारे, सेकेंड वाली तो मनुष्यों की स्थिति ऐसी है। और कुछ से भी चाहे जल्दी जल्दी मनुष्य मरे चाहे जीव मरे, लेकिन भगवान तो भूत है, पहले के ही भूताया परमात्मा। यहाँ परमात्मा का क्या अर्थ है? पराया। हाँ, इस तरह से वे जीवों के हृदय में है, सब कुछ है, लेकिन वे पर है, इस प्रकृति के नियमों से परे है। कोई बाध्य होकर के, तंग होकर के, जरूरी समझ करके, मतलब नियम में बंध करके यहाँ नहीं है, परमात्मा के रूप में है, कुछ करते नहीं। तो कोई व्यक्ति यदि परिवार बनावे, बाल बच्चा पैदा करे तो फंस जाता है, उसको करना ही है। भगवान ऐसे नहीं है कि अब सृष्टि रच दिए तो ये सब उनको बहुत भारी चिंता होगी, कैसे चलेगा, क्या होगा, ये सब इन सबसे परे। और परमात्मा है, हाँ, यहाँ परमात्मा का अर्थ है सर्व कारण कारण, आत्मा ही सबका कारण है। और भगवान है परमात्मा, आत्मा से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। आत्मा का अर्थ ही कारण होता है, कारण एक शब्द आत्मा का ये होता है। तो भगवान परमात्मा है, परम कारण है, जीवों को भी उत्पन्न किए हैं, जगत को उत्पन्न किए हैं, उनके भीतर ही सारा जगत है। तो इस तरह से ये सारी स्तुति का आशय ये है कि आप ही सर्व कारण कारण है, आपके भीतर सब कुछ है, आपको पहले से ही जानकारी थी, अब इस समय आकर के सिर फोड़िए, चाहे कुछ भी कीजिए, तो आपकी मर्जी है क्या किया था। लेकिन यह बात नहीं है कि आपको पहले से जानकारी नहीं थी, आपके बाहर ये सब हो रहा था। सभी जीव आपके भीतर है, सबके स्वभाव को आप बनाए हैं। और कालिए तो डायरेक्ट कहा भगवान से, प्रणाम भी नहीं किया। प्रणाम क्या करे, वो तो डायरेक्ट प्रणाम हो ही रहा था सिर से। भगवान जब सिर पर चढ़े चढ़े बोले, जब जब नाग पत्नियों ने स्तुति किया, बहुत लंबी स्तुति है, फिर प्रार्थना कर रहे हैं स्तुति के बाद, प्रणाम के बाद, तो कालिए को अवसर मिला कुछ कहने का। कालिए कहता है, तीन गुणों के द्वारा तीन प्रकार की सृष्टि सात्विकी राजसी और तामसी आप किए हैं, कोई दूसरा नहीं किया है। तो हम सर्पों की सृष्टि भी आप किए हैं, हमारा स्वभाव आप बनाए हैं। वो स्पष्ट कहता है, निग्रह कीजिए चाहे अनुग्रह कीजिए, अब छोड़िए चाहे और मारिए, भगवान ही कारणम तत्र, आप कारण स्पष्ट कहा, आप कारण हैं हम लोगों को क्रोधी बनाने में, चाहे विष बनाने में। मुंह में विष नहीं दिए होते तो कैसे जल विषैला हो, आप बनाए। यही शब्द कहता है, भगवान ही कारणम तत्र, आप कारण हैं, हम कारण नहीं। जो आप करें निग्रह कीजिए चाहे और मारिए, अब हम क्या करें। सीट पर भगवान को लिए लिए बोलता है। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, अब तुम यहां मत रहो, तुम जाओ समुद्र में जहां तुम्हारा घर है। अब इस नदी के पानी को गौएं पिए, मनुष्य पिए, इसका सेवन करें, बहुत काल तक सेवन नहीं कर पाए। तो कहा, और भगवान ने भी कहा कि जो व्यक्ति यहाँ स्नान करेगा इस हृदय में और मेरी पूजा करेगा, समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा, उसे मुक्ति मिलेगी। और जो व्यक्ति मेरे द्वारा दिए गए अनुशासन को या दंड को सुबह शाम याद करे, उसको सर्पों से कोई भय नहीं, केवल इस घटना की याद कर लेने से कोई भय नहीं। और तब काली कहा कि मुझे बहुत भय है, आपको सब पता है कि मैं क्यों रमणक द्वीप से आया हूँ, गरुण मुझे। नमस्तुभ्यं भगवते।
पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने ज्ञान विज्ञान निधये ब्रह्मणे नंत शक्तये अगुणाय विकाराय नमस्ते प्राकृताय च कालाय कालनाभाय कालाय वसाक्षिणे विश्वाय तदुपद्रष्टे तत्कर्त्रे विश्वहेतवे भूतमातेन्द्रिय प्राण मनो बुद्ध्याशयात्मने त्रिगुणेनाभिमानेन गूढस्वात्मानुभूतये नमोनन्ताय सूक्ष्माय कूटस्थाय विपश्चिते नानावादानुरोधाय वाच्यवाचकशक्तये नमः प्रमाणमूलाय कवये शास्त्रयोनये प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः नमः कृष्णाय रामाय वसुदेवसुताय च प्रदुम्नाय निरुद्धाय सात्वतां पतये नमः नमो गुणप्रदीपाय गुणात्मच्छादनाय च गुणवृत्तिपलक्ष्याय गुणद्रष्टे स्वसंविदे अव्याकृतविहाराय सर्वव्याकृतसिद्धये हृषीकेश नमस्तेस्तु मुनये मौनशीलिने परावरगतिज्ञाय सर्वाध्यक्षाय ते नमः अविश्वाय च विश्वाय तद्द्रष्टेस्य च हेतवे त्वं ह्यस्य जन्म स्थितिसंयमान् प्रभो गुणैरमीह कृतकालशक्तिधृक् शान्ताय शान्त तत्तत्स्वभावान् प्रतिबोधयन् सतः समीक्षया मोघविहारैहसे तस्यैव ते मुस्तनवस्त्रिलोक्याम् शान्ताय शान्ता उत मूढयो नयः शान्ता प्रियास्ते यधुना वितुं सताम् स्थातुश्च ते धर्मपरीप्सये हतः अपराध सकृद्भर्तुः अपराध सकृद्भर्त्रा शोधव्य स्वप्रजाकृतः सन्तुमर्हसि शान्तात्मा मूढस्य त्वामजानतः
अनुग्रहणीस्व भगवान् प्राणं त्यजति पन्नगः स्त्रीणां नः साधु सोच्यानां पतिः प्राणः प्रदीयताम् विधेहि ते किंकरिणाम् अनुष्ठेयं तवाज्ञया यच्छ्रद्धयानुतिष्ठन् वै मुच्यते सर्वतो भयात्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो श्री नागपत्नियां भगवान की स्तुति कर रही हैं, भगवान के अनेक गुणों का वर्णन करते हुए उन्हें नमस्कार कर रही हैं। और श्री भगवान उस समय कालिये के फाड़ पर खड़े हैं, कालिये के समस्त फाड़ क्षत विक्षत हो गए हैं, उसके मुख से और नाकों से खून बह रहा है, बहुत विकल हो गया है। नागपत्नियों के मन में यह भय हो गया कि भगवान इसे मारना चाहते हैं, इसका वध करना चाहते हैं, क्योंकि एक तरफ जब कालिये के अपराध पर विचार करती हैं तब उन्हें ऐसी आशंका हो रही है कि अवश्य इसका वध कर देंगे क्योंकि यह ऐसा है। परंतु अपना पति है तो उसके प्राण की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। यदि भगवान प्राणांत करने नहीं जा रहे थे उसका, परंतु फिर भी घबरा करके वे प्रार्थना कर रही हैं, नमस्कार कर रही हैं भगवान के विविध गुणों को कहकर। इसमें 55 गुण लिखे गए हैं भगवान के, श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी कहते हैं पंच पंचाशत, पंचाशत मतलब 50 और पंच का अर्थ है 5, 55 गुण लिखे गए हैं। इसको चतुर्थी विभक्ति एक वचन में दिया गया है समस्त गुणों को। जब किसी को कुछ हम देते हैं, अर्पित करते हैं, प्रणाम करते हैं, कुछ देते हैं, तो उस समय चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे कृष्णाय नमः, कृष्ण को प्रणाम, तो इसी विभक्ति में उसे प्रणाम कर रहे हैं। तो हम लोग पहले इसको सुने प्रथमा में, ये भगवान के गुण ऐसे समझ में आएंगे। भगवान पुरुष महात्मा भूतावास भूत पर परमात्मा ज्ञान विज्ञान निधि ब्रह्म अनंत शक्ति अगुण अविकार प्राकृत अथवा अप्राकृत काल कालनाभ कालावयव साक्षी विश्व विश्व उपद्रष्टा विश्व के कर्त्रा विश्व हेतु भूत मातेन्द्रिय प्राण मनो बुद्ध्यास्य आत्मा त्रिगुणे त्रिगुणेनाभिमानेन गूढ स्वात्मानुभूति अनंत सूक्ष्म कुटस्थ विपश्चित नानावादानुरोध वाच्य वाचक शक्ति प्रमाण मूल शास्त्र योनि प्रवृत्त निवृत्त निगम कृष्ण राम वसुदेव सुत प्रद्युम्न अनिरुद्ध सात्वतम पति गुण प्रदीप गुणात्मच्छादन गुणवृत्युपलक्ष्य गुणद्रष्टा स्वसंवित अव्याकृत विहार सर्वव्याकृत सिद्धि हृषिकेश मुनि मौनशील। इस तरह से यह अर्थ समझने में सुगमता होगी। भगवान के 55 गुण यहाँ कह करके उनको 55 बार नमस्कार कर रहे हैं, अथवा बारंबार भूया भूया नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम है प्रणाम है।
तो भगवान के इन गुणों का वर्णन क्यों कर रही है? यह कहने के लिए कि हे प्रभु, आप महान हैं, आप ईश्वर हैं, आप सर्वज्ञ हैं और सब प्रकार की कृपा से आप भरे पड़े हैं। हम तो जीव हैं, हम तुच्छ हैं, हमसे अपराध होगा ही, यही स्वरूप है हमारा। आपका स्वभाव है क्षमा कर देना, आप महान हैं, इसलिए भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। तो एक श्लोक की व्याख्या कल थोड़ी सी हुई थी, आगे जो शब्द हैं थोड़ा थोड़ा हम कहेंगे, क्योंकि कथा बहुत पीछे रह गई है। ज्ञान विज्ञान निधि, यह भगवान का गुण है। एक तो ज्ञान का अर्थ होता है ज्ञप्ति, जानकारी, और विज्ञान का अर्थ होता है चिच्छक्ति, अनुभव। तो भगवान ज्ञान से परिपूर्ण हैं, अर्थात सब कुछ की जानकारी है भगवान को। अथवा यह ज्ञान का अर्थ है कि नख से सिख तक केवल चिद घन है, और विज्ञान का अर्थ है कि अनंत चीज शक्ति से भी युक्त है, स्वरूप शक्ति से। ये शब्द हम वैष्णवों को बहुत पहले ही जान लेना चाहिए। अगर मान लीजिए मैं यह शब्द कहूं कि चीज शक्ति, तो गौड़ीय संप्रदाय के वैष्णवों को जो दो चार साल से वैष्णव रह चुके हैं, उनको नहीं ये अपेक्षा करनी चाहिए कि इस शब्द की व्याख्या की जाए। चित शक्ति, चित शक्ति, इसी को स्वरूप शक्ति कहते हैं। यह स्वरूप शक्ति तीन प्रकार की है, संवित, संधिनी और हलादिनी। अरे तो बहुत विस्तार करने पर तो बहुत देर हो जाएगी कि भाई संधि, संधिनी का क्या अर्थ है, संवित का क्या अर्थ है, हलादिनी का क्या अर्थ है। बहुत सुंदर दर्शन है, इसीलिए तो यह स्तुति दशम स्कंध में आई है ना। पहले नौ स्कंध तक भागवत जो सुन लेगा तो उसके सामने प्रश्न ही नहीं आएगा इसकी व्याख्या की, समझता जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग कहीं प्रचार करें और केवल इतना ही कह दें, वैष्णवों को नम्र होना चाहिए, तृणादपि, इतना कह दिए तो पूरा श्लोक को समझ जाएंगे। तृणादपि कहते ही सुनी चेना तरोरी वो सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनी सदा, इतना समझ जाएंगे, है ना। अपने स्कान में अगर ये प्रयोग किया जाए, वही वैष्णव को तृणादपि होना चाहिए तो बस इतना से समझ जाएंगे और सब। इसी प्रकार दशम स्कंध तक पहुंचते पहुंचते पहले के जो भी निरुक्ति है, शब्दकोश है, कुछ भी है, सारा आत्मस्थ हो जाना चाहिए। तो हम तो यदि कहते जाएं और व्याख्या न करें तो कुछ लोगों का दिमाग ऑफ हो जाएगा, समझेंगे नहीं क्या हो रहा है, क्या संस्कृत पढ़ाया जा रहा है तो ज्ञान विज्ञान निधि, निधि का अर्थ होता है आकर, आश्रय, खजाना। भगवान ज्ञान और विज्ञान के निधि हैं। श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी ज्ञानम का अर्थ करते हैं ज्ञप्ति, ज्ञप्ति, और विज्ञान का अर्थ करते हैं चिच्छक्ति। तो ज्ञप्ति का अर्थ हुआ जानकारी, और चिच्छक्ति का अर्थ हुआ, विज्ञान का अर्थ हुआ चेतन शक्ति, जड़ शक्ति से परे भगवान के चीज शक्ति। तो जैसे सूरज में सहज प्रकाश है, वैसे भगवान का सहज स्वरूप है केवल चेतना ही चेतना है। और वह चीज शक्ति तीन प्रकार से काम करती है, संवित, संधनी, हलादिनी। सत्ता है उसकी, वह नित्य है और आनंदमय है, और ज्ञान तो खैर चित शब्द से अपने आप प्रकट हो रहा है। तो भगवान इसकी निधि है,
और इन सबका संबंध है, एक शब्द का दूसरे से संबंध है, कैसे वे ज्ञान विज्ञान निधि हैं, क्योंकि ब्रह्म है, ब्रह्म कैसे हैं, क्योंकि अनंत शक्ति है। ऐसे सब जुड़ा हुआ है, कुतः कुतः टीका में श्री श्रीधर स्वामी कहते जाते हैं, कैसे अनंत शक्ति है तो अगुण है, अगुण कैसे है तो अविकार। एक एक शब्द का बहुत सुंदर व्याख्यान हो सकता है, यदि वास्तव में आचार्यों के टीका से व्याख्या की जाए और बिल्कुल नियोफाइट लोगों को समझाया जाए नौ सिखों को, तो केवल इसी 10 श्लोक पर एक सप्ताह होगा आसानी से, तब समझ में आएगा। इसमें भगवान का गुण कीर्तन सार ये है कि आप सब तरह से महान हैं प्रभु, सब तरह से पूर्ण हैं, तो आप अपनी महत्ता देखिए, आपके सद्गुणों का प्रभाव हमारे पति पर होना चाहिए, हमारे पति के दुर्गुण का प्रभाव आप पर नहीं हो सकता है। ठीक है गलती किया है सब तरह से, लेकिन जैसे महाशक्तिमयी गंगा जी हैं, तो गंगा जी में कदाचित कोई एक छोटा सा नाला गिरे तो क्या वो छोटा सा नाला गंगा जी को दूषित करेगा? नहीं, उस नाला के जल को ही गंगा जी बना देती है, ऐसा देखा गया। तो इस तरह से हमारा पति सब प्रकार के दोषों से भरा है, कठोर रहा, हिंसक रहा, दूसरे जीवों को दुख देने वाला, लेकिन जब आपके संसर्ग में आया तो आपका गुण इसको अभिभूत करेगा ना, कि इसके दोष तो आपको अभिभूत नहीं करेंगे। इसी बात को कहने के लिए भगवान के विविध गुणों का वर्णन कर रहे हैं। सूरदास जी ने इस पर लिखा है, हमारे प्रभु अवगुण चेतना धर, हमारे प्रभु अवगुण चेतना धर। आप हमारे अवगुण को चित में मत रखिए प्रभु, कितना आप याद करेंगे, यदि हमारे अवगुण को आप याद करेंगे तो संसार की किसी भी गाथा से भी ज्यादा हो जाएगा, कोई और छोर नहीं। इसमें भी शायद है ना, हमारे प्रभु अवगुण चेतना धर, हमारे प्रभु अवगुण चेतना धर। समदर्शी है नाम तुम्हारो, समदर्शी सोई पार करो, हमारे प्रभु सोई पार करो, रे प्रभु अवगुण चेतना धर। उदाहरण देते हैं सूरदास जी, एक लोहा पूजा में राखत, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक पर, एक घर अधिक पर, सो दुविधा पारस नहीं जानत, सो दुविधा कंचन करत खर, कंचन करत खर, हमारे प्रभु अवगुण चेतना धर, हमारे प्रभु
भावपूर्ण चेतना। इतना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं, एक लोहा होता है जैसे छुरी, भगवान के लिए फल काट काट करके और भगवान को फल अर्पण करते हैं, एक लोहा भगवान की पूजा के काम में आ रहा है और दूसरा लोहा हो सकता है कसाई के हाथ में हो और पशु का वध कर रहा है, एक घर बधिक पर हो, एक लोहा भगवान के मंदिर में है चाकू बन करके भगवान की सेवा में है और दूसरा लोहा किसी बधिक के घर में पशु का चिड़िया का वध कर रहा है, लेकिन दोनों लोहा को यदि सटाया जाए बारी बारी से पारस से या एक बार ही, तो पारस यह विचार नहीं करेगा कि यह बधिक के घर का लोहा है और यह भगवान के मंदिर का लोहा है, वो दोनों को एक समान सोना बना देगा। कंचन करत खरो, खूब सुंदर सोना बना देगा। यह स्पर्श मणि जिसको कहते हैं, उसको पारस पत्थर कहते हैं, यह स्पर्श मणि की विशेषता है। स्पर्श मणि यह विचार नहीं करेगा कि यह बधिक के घर का लोहा है, कई जीवों को काटा है और यह भगवान की पूजा के काम में आया है, दोनों को कंचन करत खरो। तो इसी प्रकार हे प्रभु, चाहे हम कुछ भी हैं लेकिन आपका तो गुण है स्पर्श मणि का। तो नाग पत्नियां इसी आशय को व्यक्त कर रही है, भगवान को ये विचार नहीं करना चाहिए, वास्तव में करते भी नहीं है कौन कैसा है, बस उनकी शरण में आ जाए, भगवान से केवल संपर्क होना चाहिए, स्पर्श मणि से केवल लोहा को सट जाना चाहिए, बस इतनी ही योग्यता चाहिए। पहले से कैसे है, किस स्थान पर पड़ा था, इस पर स्पर्श मणि विचार नहीं करता है। तो स्पर्श मणि लोहा के दुर्गुण पर विचार नहीं करता है, इसी तरह भगवान किसी भी जीव के दुर्गुण पर विचार नहीं करते हैं। और वास्तव में यदि भगवान विचार किए होते तो कालिय को ऐसा सौभाग्य नहीं देते। कालिय को ऐसा सौभाग्य भगवान नहीं देते, यदि कालिय के दोषों को देखते तो। बड़ा सुंदर उदाहरण है। और दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, एक नदिया एक नार कहावत, एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरे मैलो नीर भरे, जब मिल गए